आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 बारंबारता यानी बहुलक, बारंबारता का बहुलक। देखिए बारंबारता के टाइप वाई टाइप पढ़ाएंगे। हमने कल भी बताया था कि NCERT बुक से आपके अक्सर करके 90% पूछे जाते हैं, लेकिन 10% जो है एक नंबर या दो नंबर का वो आपसे बाहर से पूछ देगा, वो आपको हम जीरो से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको इस प्रकार से आंकड़े हमारे लिखे हैं, इस प्रकार से आंकड़े आपको दिए होंगे। अब इनको आप कैसे करते हैं, ऐसे आंकड़ों को हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं पढ़ाने का। देखिए यहाँ पर सबसे लिख लीजिए पद या अंक, आप कुछ भी लिख सकते हैं वो आपकी इच्छा पर। यहाँ पर लिख लीजिए आप टेली चिन्ह, टेली चिन्ह। देखिए हमें बनाते समय हमें टाइम लगता है, आपको वहाँ पर इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर लिख लीजिए बारंबारता, यहाँ पर लिखना है बारंबारता। अब देखिए अब इसमें सबसे छोटी जो संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या उसको आप एक बार लिखिए। इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है, जीरो। तो एक बार जीरो आया तो टेली चिन्ह आपका आया एक, और बारंबारता आपकी आई एक। टेली चिन्ह दोस्तों इस प्रकार लगाते हैं। फिर दूसरा हमारा आता है वन, दूसरा हमारा आता है वन। अब इस आंकड़ों में देखना है वन कितनी बार है, वन एक बार है, तो टेली चिन्ह हुआ एक, टेली चिन्ह हुआ एक। अब हमारा आता है इससे बड़ा होता है दो, दो कितनी बार आया है, एक और दो बार और तीन बार। तो यहाँ पर आया टेली चिन्ह इसमें करेंगे तीन, यहाँ पर टेली चिन्ह हुई बारंबारता इसकी हुई दो। अब चार इसके बाद तीन देखते हैं, एक दो, तो तीन की जो बारंबारता आई वो तीन आई, तो टेली चिन्ह लगाएंगे इसको इसमें दो, तीन आया दो बार, तीन आया आपका दो बार। अब आता है चार, चार कितनी बार आया इसमें, एक बार, चार आया एक बार, तो बारंबारता इसकी हुई एक। अब देखते हैं अगला नंबर है पाँच, अगला पाँच, तो बारंबारता इसकी पाँच, तो बारंबारता इसकी है एक, बारंबारता इसकी एक, और तिर चिन्ह लगाएंगे एक, बारंबारता लिखेंगे एक। अब आता है छः, आता है छः, तो बारंबारता इस एक छः बार जो है एक ही बार आया है, तो बारंबारता भी इसकी एक हुई। इससे क्या होता है, हमें कई संख्या दी होगी तो हमें एक बार देखने में मुश्किल होगा, इससे क्या हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा, हम तुरंत जान जाएंगे जो सर्वाधिक बारंबारता होती है वही हमारा बहुलक होता है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी आई है, तीन बार दो आया, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता जो है दो की है, तो क्या लिखेंगे, अतः, अतः दो की बारंबारता, अतः दो की बारंबारता, दो की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः, अतः बहुलक, अतः बहुलक होगा, अतः बहुलक होगा बराबर दो, अतः बहुलक बराबर होगा दो, अतः बहुलक होगा दो। देखिए हमारा जो टाइप वन है वो हुआ, अब देखते हैं टाइप दूसरा, टाइप नंबर दो, टाइप नंबर दो। देखिए आपका दूसरा प्रकार ये होगा, पद दिया होगा और बारंबारता दी होगी, इसमें आप देखते ही भी देखते ही आप उत्तर बता सकते हैं। देखिए बारंबारता इसकी तीन बार है, तो आपको मालूम होगा इसमें 12 जो है तीन बार आया होगा, चार है तो 14 तीन बार आया होगा, बारंबारता छः है 16 छः बार आया होगा, नौ जो है 18 है तो 18 नौ बार आएगा। तो इसमें लिखना आपको होगा अतः, अतः, अतः नौ की बारंबारता, 18 की बारंबारता, 18 की बारम, 18 की बारंबारता, 18 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः अधिक है, इसलिए बहुलक, इसलिए बहुलक, इसलिए बहुलक 18 होगा, इसलिए बहुलक 18 होगा। यही है, ये ऐसे प्रश्न जो है दो नंबर में पूछ दिए जाते हैं। पहला टाइप जो था वो एक नंबर में पूछा जा सकता है, ये दो नंबर में पूछा जाता है। अब आता है आपका लास्ट,
बहुलक का जो आपको 5 से या 6 नंबर में पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछ दिया जाता है, 6 नंबर में। देखिए अगला टाइप 3। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3, इसका बहुलक क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं ये देखना है आपको। इसका सूत्र होता है, पहले सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे I, जहां I आपका है। अब इनके हम मान लिखते हैं। हमें इसके लिए L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए और F2 चाहिए। F2 चाहिए, सबसे पहले हमें F1 ढूंढना होता है, उसी से सारा कुछ मिल जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी होगी वही F1 होगा, वही F1 होगा। अब उसके ऊपर जो है ये आपका F0 होगा, फिर उसके नीचे आपका होगा F2, फिर उसके नीचे होगा F2। अब इसके ठीक सामने चले, ये होती है निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। तो आपका जो L है वो L यहाँ पर आपका मिलेगा, निम्न सीमा L। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ हमारे पास है। L हमारे पास हो गई 30। देखिए यहाँ से L जो है, हमने F1 की जो निम्न सीमा होती है उसे L कहते हैं। F1 हुआ हमारा 8 और F2 हुआ हमारा 4 और F0 जो हुआ वो हुआ 3। और आई की बात कर लेते हैं। आई का मतलब होता है इनका डिफरेंस। जो डिफरेंस हमारा है वो है 10। अब बेसिकली हम सूत्र पर डालते हैं। देखिए एल हमारे पास हुआ 30 और प्लस F1 हमारे पास हुआ और F0 हमारे पास हुआ 3 और बटे दो गुणे F1 8 माइनस F0 का मतलब 3 माइनस में 3, F2 का मतलब 4 और गुणे में I का मान धरते हैं यहाँ पर 10। अब देखिए 30 प्लस 8 से 3 गए कितने बचे, 5। 8 से 3 गए कितने बचे, 5 गुणे 10 बटे 8 दूनी 16 माइनस 3 और 4 7 बराबर 30 प्लस 5 दशम 50। 16 से 7 गए कितने बचे, 9। अब दोस्तों इसको कैंसिल करते हैं, 9 पचे 45। पॉइंट लगाते हैं, फिर बढ़ाते हैं, 9 पचे 45। फिर आ जाएगा हमारा 9 पचे फिर 45। तो बराबर 30 प्लस 5.55, यानी हमारा जो वो आया बहुलक आया वो आया 35.55। इसको जोड़ देते हैं 35.55। तो हमारा दोस्तों बहुलक जो आया वो आया हमारा 35.55। यही हमारा आंसर हुआ बहुलक का। देखते हैं अब आगे आपकी जो है आपका चलेगा माध्यक, आगे चलेगा आपका माध्यक। देखते हैं अगला प्रश्न।